पुलिस वाले दोनों को। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 31 और मैं हूँ आपके साथ पूनम। एक बार फिर उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में सुरक्षा और स्वास्थ्य इंतजाम पर बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। आपको बता दें, शुक्रवार को हाथरस में सड़क दुर्घटना हुई जिसमें 17 लोगों की मौत हो गई और 16 लोग घायल हो गए। हालांकि इन सभी को बांगला जिला अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद सभी को रेफर कर दिया जाने की तैयारी तो होती रही, लेकिन रेफर किए जाने के समय इन सभी को एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल पाया। हालात ये थे कि रेफर करते समय खुद स्टाफ घायलों के लिए ऑक्सीजन तलाशता रहा और चिकित्सक एक दूसरे का मुंह ताकते रहे। काफी हंगामा होने के बाद किसी तरह मरीजों को हाथरस से अलीगढ़ रेफर किया जा सका। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि स्वास्थ्य व्यवस्था में इतनी लापरवाही क्यों? क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ, बल्कि ऐसी लापरवाही की घटना पहले भी कई बार सामने आई है। बता दें, उत्तर प्रदेश में हाल ही में हुए हाथरस जिले के सिकंदरा राव में भोले बाबा के सत्संग में हुए भगदड़ के दौरान 121 लोगों की मौत के बाद भी ये हालात नहीं सुधरे। वही बात करें शुक्रवार को हुई हादसे के कारण की, तो ऐसा लगता है कि ये हादसा बारिश के कारण फिसलन होने की वजह से हुआ है, जिसमें 17 लोगों की मौत और 16 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है। हालांकि रात में ही शवों का पोस्टमार्टम कराया गया और प्रशासन का जोर सबसे पहले राहत कार्यों पर था। मिली जानकारी के मुताबिक हादसा शुक्रवार शाम करीब 6 बजे हाथरस के थाना चंदपा इलाके में नगला भुज बाईपास कपूरा चौराहे के पास हुआ। बताया जा रहा है कि सवारियों से भरे मालवाहक वाहन को गलत तरीके से एक वाहन ने ओवरटेक किया। हालांकि चालक ने बचने की कोशिश की, लेकिन बारिश से सड़क गीली होने के कारण अनियंत्रित होकर वह रोडवेज से टकरा गया। गनीमत रही कि रोडवेज बस में सवार सभी लोग सुरक्षित हैं।